गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ कोविड अपडेट शेयर करना चाहता हूँ। तो गूगल में कोविड लिख के सर्च कीजिए, आप लोग को ऑफिशियल अपडेट मिल जाएगा। ये है प्रेजेंट ग्राफ का कंडीशन। इधर से मतलब इंडिया वेस्ट बंगाल में पीक आया था 17th of May और मेरा बर्थडे है 18th of May, तो बर्थडे का एक दिन पहले पीक आया था। उसके बाद नीचे जाना शुरू किया और नीचे जा ही रहे जा ही रहे, और ये आप लोग की वजह से ही पॉसिबल है। आप लोग लॉकडाउन में गवर्नमेंट को इतना अच्छा हेल्प किया, इतना अच्छे से लॉकडाउन फॉलो किए, वो लिस्ट जो रूल रखा था गवर्नमेंट ने और पुलिस ऑफिशियल्स ने, आप लोग उन लोग के साथ कोऑपरेट किए, इसलिए इतना अच्छा फीडबैक है। जैसा कि देख, पूरा देश में कितना पहले पीक आ गया था 7th of May में, तब पश्चिम बंगाल कितना अच्छा काम कर रहा था, पश्चिम बंगाल में उतना जल्दी जल्दी पीक आया नहीं। और इंडिया में भी कार्प, ये जब राइस हुआ था मतलब स्टीप राइस, और जो फॉल है पीक का वो स्लेंट है थोड़ा सा, मतलब कुछ थोड़ा ज़्यादा एंगल पे। अगर ये ग्राफ को आप डिवाइड करते हो पीक से, ये जो लंबा लाइन दिखाई दे रहा है आप लोग को इस लाइन के बराबर, तो आप लोग देख सकते हो राइट हैंड साइड में जो ढाल है वो उतना खड़ा नहीं है, पर लेफ्ट हैंड साइड में जो ढाल है वो बहुत ही स्ट्रेट है, मतलब एकदम तेजी से बढ़ रहे हैं कोविड केस। और जो नीचे हो रहा है कोविड का जो नंबर ऑफ केसेस पर डे जो डिक्लाइन या फॉल हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, फिर भी सिग्निफिकेंट वैल्यू है। तो आप लोग गवर्नमेंट के साथ और पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मान के चलिए, और लॉकडाउन का जो आप लोग का लोकेलिटी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे भी फॉलो कीजिए। ओके, सी यू सून ऑन माई नेक्स्ट गेम प्ले। अपना ख्याल रखिएगा एंड ऑलवेज मेंटेन पर्सनल सैनिटाइजेशन एंड सेफ डिस्टेंस।